ठीक हो ना रे? क्या हुआ तुम यहाँ? बाबा आप ठीक है सब? वो श्राद्ध हो गया ना सब ठीक से? श्राद्ध तो तूने कर डाला अपने संस्कारों का। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जब मैं क्या मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आराध्या क्या? आराध्या भला टली मेरी बात तो प्लीज मेरी बात सुना राधिया मेरी बात। अब और झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है हमने हमारी आंखों से देखा है। अब प्लीज मुझ पर यकीन करो आराध्या। प्लीज जो तुम लोगों को ये जो सब देखकर जो ऐसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आर्यन तू सफाई क्यों दे रहा है रे? वो भी इसको? हाँ बस बहुत हो गया है। नक्कू बुला रहे उस लड़की श्रावणी को। वो बताएगी आजोबा पोती के सामने सच क्या है और झूठ क्या है। बुला। हाँ शायद उसकी बात सुनने के बाद ही आप लोगों को मुझ पर यकीन होगा। राधिया रश्मि मैंने कुछ बुरा नहीं किया। कुछ भी डाउट हो तो तुम जो पूछना पूछो। श्रावणी बता गा क्या सच है क्या झूठ है सब बता। श्रावणी प्लीज वो आभा और आराध्या को लगता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ आ रहा है। सारी गलती मेरी है। मुझे हरिन को अपने कमरे में पूजा के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैंने देखा कि हरिन श्राद्ध की पूजा में न जाने की वजह से बहुत परेशान। इसलिए मैं खुद गई प्रसाद लेने मंदिर। और प्रसाद खाते ही पता नहीं आर्यन को क्या हो गया और वो मेरे साथ। Oh,
रखवाले हैं, इसलिए मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई। और उनकी बात मानना मेरा धर्म है। प्रशांत में तो किसी ने जहर मिलाया था ना, फिर वो बेहोश कैसे हुआ? श्यावनी, लेकिन प्रसाद तो रसोई में वैसे के वैसे ही रखा हुआ है, फिर तूने प्रसाद बोल के आर्यन बाबा को क्या खिलाया? श्रावणी इधर देख। क्या रे, बोल सच्ची, क्या खिलाया मेरे नाती को? जहर वाला प्रसाद खिलाया क्या? रात के प्रसाद में जहर था, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। मेरे हाथ से तो प्रसाद का थाल गिर गया था, और गिरा हुआ प्रसाद मैं उन्हें कैसे खिलाती? इसीलिए घर का खाना मैंने प्रसाद बोलकर उन्हें खिला दिया। कांड तो हो गया ना, लेकिन बाहर का खाया घर का खाया। श्रावणी, अब भी कुछ कहने को बाकी रह गया? नहीं, सब तो कह दिया है ना श्रावणी ने। बस आजोबा और ये पोती का बहुत ड्रामा और तमाशा हो चुका है यहाँ। बस अभी कल्टी खाओ अपनी पोती को लेकर यहाँ से। ए छोटी चुड़ैल, सुन ले मेरी बात, आर्यन श्रावणी का रखवाला है, ये कुछ भी कर सकता है उसके साथ। तुझे जलन क्यों हो रही है? हाँ, तेरा तो तलाक हो चुका है ना इसके साथ, अब निकल। आजी चुप बैठो, आजी प्लीज चला। आजी चुप बैठेगी, आजी चुप बैठ। आजी राजा प्लीज मेरी बात सुन, जो तुम सोच रहे हो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, कसम खा रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता, पर कुछ नहीं हुआ यार। राधिया मेरी बात सुनो, मुझे देखो राधिया, मुझे देखो राधिया प्लीज। श्रावणी ने तो कमाल कर दिया, उस आराध्या के मुंह पे ताला लगा दिया हमेशा हमेशा के लिए। भामिनी के साथ साथ आर्यन आराध्य के रिश्ते का भी श्राद्ध हो गया। ओम स्वाहा। ये गर्मा गर्म पूरण पोई। अरे वाह, पूरन पोली। आर्यन को आपके हाथों की पूरन पोली कितनी अच्छी लगती है, देखना इसे खाके वो कितना खुश हो जाएगा। क्यों? अरे बाबा साहब को कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। डर लग रहा मुझे कहीं कुमुदनी और उनके बीच बात बढ़ ना जाए। यहां देखो कहीं वो कितने प्यार से राखी की तैयारियां कर रही है, पता नहीं कुमुदनी इस बात के लिए मानेगी भी या नहीं। वो माने या ना माने, मैं जानती हूं आर्यन गायू से बहुत प्यार करता है,
वो उसकी बात कभी नहीं मानेगा। प्यार तो करता है लेकिन कुमुदिनी ने आर्यन को आई के श्राद्ध की पूजा में भी नहीं आने दिया। वो औरत कुछ भी कर सकती है। मैं जाके देखता हूं। अरु बेटा, अरु, अरु को क्या हो गया? राध्या, अब इन दोनों के बीच क्या हो गया? हम बताते हैं। राधे, राधे एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें बात नहीं करने तो मत करो मुझे। राधे मेरी, राध्या मेरी बात सुनो। राध्या दरवाजा खोलो तुम। राध्या प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो एक बार। राध्या प्लीज दरवाजा खोलो, कम से कम मेरी बात तो सुनो। प्लीज मेरी बात सुनो एक बार, कम से कम मेरी बात तो सुनो ना। सॉरी आर्यन जी, आपको चुहिया आराध्या से दूर रखने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। क्या कहते हैं, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। श्रावणी दरवाजा खोल, मैदान साफ हो गया। इस बुढ़िया को अगर पता चल गया ना कि मैं नाटक कर रही थी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। श्रावणी, इसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि तू सच में आर्यन के साथ, तभी तो अपनी दाल गलेगी रे बाबा। चल चल लौकर। सामान रखा। अरे क्या हुआ श्रावणी, तू रो क्यों रही है? क्या मस्त एक्टिंग किया रे तूने, सिनेमा टाकिस में भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते हैं। आर्यन और आराध्या का रिश्ता खत्म करवा कर तूने वो क्या कहते हैं ओलंपिक में ऐसा लटका थे ना सोने का चमकीला मेडल, मेडल जीता है तूने। बक क्या क्या मंगवाए मैंने तेरे लिए, पैठन से पैठनी साड़ी, मीनाकारी बंगड़ी, हाँ सब पहन के खुश रह तू। तूने मुझे खुश कर दिया आज। हे श्रावणी, अभी ड्रामा बंद कर, इधर हमारे सिवा कोई नहीं है। और देख देख माई तेरे लिए क्या क्या लाई है। समेट ले सब, समेट। और भी कुछ चाहिए तो बता दे, हाँ मंगा के दे दो। लक्को भाई, ये सब समेट के क्या फायदा, जो समेट के रखना था वो तो सच में खो दिया मैंने। आजी आप ही बताओ मुझे, एक औरत के लिए उसकी इज्जत से ज्यादा और कुछ है क्या? नहीं है। लेकिन आजी आपके नाटक के चक्कर में आज मैंने सच में अपनी इज्जत खो दी। मैं तो सचमुच की कृष्णदासी बन गई।
को बंद। ये गहने, ये कपड़े एक दासी के लिए कोई मायने नहीं रखते। अब मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? आर्यन ने तो मेरे साथ सब कुछ करने के बाद इतने आसानी से मुंह फेर लिया। आप लोग प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जी भर के रो लूंगी तो मनाल कहां हो जाएगा मेरा? श्रावणी, ये तो तू अकेली नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, ऐसा मत सोच, थोड़ी देर के लिए इसे अकेला छोड़ दे। श्रावणी, तेरा सपना मनी मनी। यकीन नहीं होता कि आर्यन ऐसा कर सकता है। मारू तो आर्यन के साथ नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रही थी। पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। राधा, you know how much I love you, right? तुझे पता ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, और तुझे पता कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। राधा, कितनी लड़ाई हमारे बीच में, कितनी लड़ाइयाँ हुई अभी तक, लेकिन तुझे पता है कि हमारा रिश्ता क्यों सर्वाइव किया इतना दिन? क्योंकि तुम और मैं एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। राधा राधा, कैसे सोच सकते हो राजा श्रावणी के साथ, वो भी जिस लड़की को हमने अपने घर में पना दिया, राधा उसके बारे में कैसे सोच सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ किया उसके साथ? राधिया, मुझे सचमुच कुछ याद नहीं है यार, कुछ भी याद नहीं है, पर कसम खाकर बोल रहा हूँ, ऐसा गलत काम नहीं किया राधिया, इतना तो मुझ पर यकीन करो। राधिया प्लीज दरवाजा खोलो यार। राधिया प्लीज, ओके, जस्ट मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है राधिया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ राधिया, हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा राधिया, प्रॉमिस राधिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज मैं तुम्हारा हूँ सिर्फ। राधिया प्लीज मत रो राधिया, राधिया मेरी बात सुनो एक बार, दरवाजा खोल। राधिया, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। राधिया, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता राधिया, मेरी वजह से तुम्हें इतने आंसू बहाने पड़ेंगे, ट्रस्ट में राधिया, मैं मरकर भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ यार, जस्ट ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया राधिया, प्लीज दरवाजा खोलो यार। राधिया को दरवाजा खोलने के लिए बोलिए ना, मुझे उससे बात कर। अब क्या कर रहे हो आप? अब मुझे बात करनी प्लीज, उसके बाद मैं चला जाऊं। हमारा सपना था कि तुम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारो, लेकिन आज जो हमने हमारी आंखों से देखा है उसके बाद हम यही कहेंगे कि तू आरू की जिंदगी से चला जा, क्योंकि तूने सिर्फ आरू का ही नहीं हम सबके विश्वास का गला घोटा। नहीं बाबा, मैंने किसी के भी विश्वास का गला नहीं घोटा है, राधिया से बहुत प्यार करता हूँ बाबा, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। आर्यन प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज। अब आप तो मुझे बचपन से जानते हो, अब आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? पर यही तो भ्रम तोड़ा है तूने, आंखों से जो देखा है हमने उसे अनदेखा कैसे कर सकते? आज पता चला कि तेरी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, यही मायने रखता है, यही शाश्वत। निकाल इसे यहां से,
आराध कर। मेरे बारे में सोच रहे हो गलत, ना कुछ भी नहीं किया, आप लोग समझ नहीं कुछ किए। बाबा आप तो समझे, बाबा बाबा आप समझ, आप आई तुम समझो आया, प्लीज आई, तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता, ऐसा मत करो प्लीज। आप आपको समझाओ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। आराध्या को प्लीज नीचे आने के लिए कहिए, मुझे उससे बात करनी है अभी। छोड़ मुझे, मुझे लगता था पूरी दुनिया में सिर्फ मैं तुझे जानती हूँ, पर मैं कितनी गलत थी, मैं तुझे कभी पहचान ही नहीं सकी। ये मेरे लिए तुमने सजाई ना ये थाली, ताई आज रक्षाबंधन है, मेरे लिए हेल्प करो प्लीज। जाकर आराध्या से अभी कभी बात करो, उसे नीचे आने के लिए, मुझे उससे अभी कभी बात करनी प्लीज। ताई तुम तो समझो प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये राखी तेरे लिए नहीं। अरे ये राखी उस इंसान के लिए थी जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। तूने तूने ये घिनौनी हरकत करके आराध्या का दिल तोड़ा है। आर्यन, आराध्या ने हमेशा तेरा साथ दिया, मगर तूने तूने क्या किया? वो तुझ पे कितना विश्वास करती थी और एक मिनट में तूने उसका विश्वास तोड़ दिया। अब आप प्लीज आओ। बाबा प्लीज बाबा, आपको पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, आपको कसम खाकर बोल रहा हूं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है प्लीज। कम से कम आप तो मेरी बात सुनिए बाबा। बस आर्यन, अब हमारे बीच कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए अच्छा होगा तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। अब जाओ। बड़ी तसल्ली थी हमें कि हमारा दुश्मन कोई हमारा अपना नहीं, वो जयराज है। पर ये आर्यन तो पूरी तरह से हमारे आरो का दिल तोड़ दिया। चारों तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। पुलिस के साथ साथ अब वो ड्रग एक्सपोर्टर भी मेरे पीछे पड़ गया। अब इस हालत में मेरी बरखा रानी बचाएगी मुझे। हेलो हेलो, कहां थी तुम? कब से फोन ट्राई कर रहा हूं, तुम्हें फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा यार? हाँ अरे वो सब ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मैं कितनी प्रॉब्लम में। अरे अरे हाँ हाँ, अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम अभी भी वहीं हो ना जहाँ पहले थी? हाँ बस वहीं रुकना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे हाँ बाकी बातें बाद में करते हैं यार, बाय। हाँ आता हूँ। अब इस खतरे में परखा रानी के पास जाने से सेफ जगह और कोई नहीं हो सकती। लेकिन जरा अंधेरा हो जाए फिर निकलता हूं।
माई, ये लड़की तो तुम्हारी गुरु निकली। तुमने उसे सिर्फ अर्जी लिखने के लिए बोला था, उसने तो सीधे सीधे अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली। ठीक ही तो किया उसने नक्कू, रावणी ने एकदम ठीक किया। उसके ऐसा करने से अगर मेरा नातीता उस आराध्य से पीछा छूट जाता है तो मुझे कोई बाधा नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम। करने दो उसको जो करना है। भूल मत नक्कू, उस लड़की को मैं ऐसे उंगली में नचा सकती हूँ, ऐसे भी और वैसे भी। तू भूल रही है नक्कू, मेरा नाती उसका रखवाला है। कौन है रखवाला? क्या मतलब हुआ उसका? वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है उसके साथ। हाँ, और ये सब चलता रहता है। भाई, ये एकदम बराबर बोली तुम। और फिर आर्यन, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों? हाँ, नादिन से पीछा छूट गया। राधे के लिए जिंदगी में जहर उगलना बंद करेगी आजी तू? ये चाल तूने तो नहीं चली आजी? जानता हूं तुझे आराध्या बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे दूर रखने ना तो कुछ भी कर सकती है। अजी तू सच बोल, खाने में तूने कुछ मिला है क्या? आर्यन, तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझे तेरी आजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं? देवा कृष्णा, क्या हो गया मेरे नाती को? देख आर्यन, तेरे और उस लड़की श्रावणी के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तू कुछ भी बोले जा रहा है, तू होश में तो है? मैं जानती हूँ इस वक्त जो कुछ भी हुआ है तुझे वो पसंद नहीं है, वो तुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि तूने उसे उस नजरों से देखा ही नहीं। लेकिन मेरी नजरों में क्या गलत किया तूने? हे बक, तू भूल रहा है, वो लड़की श्रावणी तेरी कृष्णदासी है। कृष्णदासी? अब ये देवदासी नहीं रहे। तेरे होते हुए इसके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, और ये मेरी जिम्मेदारी। अभी जिसे रोकना है रोक कर दिखाए। तू इसका मतलब समझता है? प्रथा के मुताबिक तेरा पूरा अधिकार बनता है उस पर। क्या गलत किया तूने अब बता मुझे? कुछ गलत नहीं किया है तू। अब जाकर तू ऐसे पल्ला झाड़ेगा तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी आर्यन। कहां जाएगी वो लड़की? उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था, किसकी वजह से? अब अगर तू उसकी बात झूठलाएगा तो कौन विश्वास करेगा? कौन? ना उसकी इज्जत रहेगी और ना ही हमारी। अब सोच तुझे क्या करना है। और ये जवानी में ऐसा सब कुछ चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू रोता रहे इस तरह। हाँ, जो कुछ भी हुआ है ना उसे स्वीकार ले आ रही, और जिंदगी में आगे बढ़ कृष्ण का नाम लेकर। तू खुद सोच ले, मैं कोई दबाव नहीं डाल रही। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब अगर तू उसकी बात झूठलाएगा तो कौन विश्वास करेगा? मैं कितनी गलत थी, मैं तुझे कभी पहचान ही नहीं सकी। ये राखी तेरे लिए नहीं, हमारे बीच कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। राधे मेरी बात सुनो, मुझे देखो राधे, प्लीज। मारो तो है नहीं अपन के पास, ये चकना खा के अपन की सफलता का जश्न मनाना पड़ रहा है मेरे को। अपन क्या करेगी, सुबह से बेचारी बनने की एक्टिंग में भूखा रहना पड़ा मेरे को। चल श्रावणी, इस चकने से ही काम चला ले।
ओए मेरी अनार कली, ले आ गया तेरा सलीम। का विश्वास खो दिया मैंने, जो हुआ कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आता। नहा धोकर मेरे कमरे में आ जाइए, जहां मैं रोज पूजा करती हूँ, मैं वहीं सारी प्रार्थना की तैयारी करके रखती हूँ। आर्यन, आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, आप यहीं बैठ के खा लीजिए। अरे एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं बात नहीं करने को मत करूं। आराध्या मेरी, अब आप तो मुझे बचपन से जानते हो, अब आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? आंखों से जो देखा है हमने, उसे अनदेखा कैसे कर सकते? आज समझ में आया किसका खून दौड़ रहा है। कैसे सबको ये यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, और मेरे लिए आराध्या से बढ़कर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे है?